हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का वीडियो है मेरा मीशो काइंड ऑफ फेस्टिव हॉल। और ये ना मैंने कुर्ता एंड कुर्ता सेट का कलेक्शन रखा है, तो कुछ मेरे पास पहले से थे, कुछ मैंने एक दो आइटम्स मंगाए थे, तो उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड जैसे कि इतने सारे अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं, तो उनके लिए आपको बहुत तरह के हॉल इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड जो ये सारे कुर्ता सेट्स हैं ना, अंडर 700 है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग ये हॉल स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो जो फर्स्ट कुर्ता है वो बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का अनारकली सा कुर्ता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। पिक एंड ऑल मैं आपको यहाँ डाल दूंगी। ये प्योर कॉटन का है एंड आई गॉट इट इन साइज 5XL। इसमें आपको ना नेक पे से राउंड नेक मिल जाएगा, देन मिरर वर्क मिल जाएगा विद सिल्वर, ऐसे पूरा लेस बहुत सुंदर वर्क है जो कि बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा। प्योर कॉटन है तो वो भी अच्छा है, लाइक कंफर्टेबल रहेगा बहुत वेयर करने में। एंड आपको 3x4 स्लीव्स मिल जाएगी और आगे भी लेस मिल जाएगी। पूरा ना सेल्फ पैटर्न सा कुर्ता देख रहे हैं ना आप, जैसे कि सिल्वर से कलर की बहुत अच्छी सी इसमें ऐसे लाइनिंग है जो कि लेस काइंड ऑफ लुक दे रही है, थोड़ा सा शाइन मारी है, तो फेस्टिवल वगैरह में छोटे मोटे फंक्शन में पहनने के लिए काफी अच्छा कुर्ता है। साइड में आपको ऐसे यहाँ पे ये डोरी मिल जाएगी, नीचे यही पॉम पॉम से बहुत प्यारे से अच्छे लगे हुए। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा प्यारी है एंड बहुत लॉन्ग कुर्ता है, तो मुझे इसके नीचे कुछ भी पहन सकती हूँ, लाइक मैं लेगिंग्स कुछ भी पहन सकती हूँ, दिखने तो वाला नहीं है। सो ये टायर्ड पैटर्न में है बेसिकली, और टायर्ड पैटर्न वाले कुर्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एक ब्लू कलर में भी ले रखा है, उसका हॉल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ऐसे कुर्ते मुझे खुद पे काफी वेयर करने प्यारे लगते हैं। इसमें नेक में भी ना ऐसा वर्क है जो निकलेगा नहीं, लाइक मैंने लास्ट ब्लू वाला लिया था उसमें ना उसके मोती से निकल गए थे, सो इसमें वो झंझट नहीं है विच आई रियली लाइक। सो लेंथ वगैरह काफी अच्छा है, फैब्रिक इसका कॉटन है एंड आई गॉट दिस वन फॉर 430 रुपीज, तो अंडर 450 है, बट इतना प्रिटी कुर्ता है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आप ये बाय कर सकते हैं, बिकॉज इसका कलर भी बहुत अच्छा है एंड प्लस बहुत ही बजट में है, तो आई वुड रेट इट 10/10। उसके बाद जो कुर्ता पीस है ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। ये ना काइंड ऑफ ऐसे ब्राउन से, लाइट ब्राउन से कलर का कुर्ता सेट है, इसमें भी आपको 3 पीस मिल जाएगा, ये कुर्ता एंड प्लाजो एंड दुपट्टा। एंड जो इसका फैब्रिक है वो चंदेरी कॉटन है, तो मुझे इस फैब्रिक भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब इसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है, ये बहुत ही सिंपल सा राउंड नेक कुर्ता है एंड आपको ऐसे फ्लेयर्ड सा पूरा नारकली पैटर्न मिल जाएगा। मुझे ऐसा एक सिंपल सा कुर्ता सेट चाहिए था जो कि सिर्फ कुर्ता एंड प्लाजो हो, एकदम मोनोक्रोम लुक है, उसमें फिर आपको ऐसे दुपट्टा मिल जाए हल्के से वर्क का, तो ऐसे ही ये बिल्कुल कुर्ता सेट है। इसमें आपको 3x4 स्लीव मिल जाएगी, उसमें भी कोई भी वर्क नहीं है, सिंपल स्टिचिंग वाला वर्क है एंड आपको नीचे इसमें वही इलास्टिकेटेड, फुली इलास्टिकेटेड प्लाजो मिल जाएगा। आई गॉट इट इन साइज 5XL, उसके हिसाब से मुझे प्लाजो का साइज थोड़ा टाइट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा लूज हो सकता था, एंड आपको स्ट्रेट फिट पैटर्न वाला थोड़ा सा प्लाजो मिलेगा, तो मुझे इसमें बहुत डाउट लग रहा है कि ये मुझे फिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया है। और इसके साथ आपको ये दुपट्टा मिल जाएगा, फुल्ली वर्क दुपट्टा है ऑर्गेन्जा काइंड ऑफ फैब्रिक में एंड पूरे में ऐसे फ्लोरल सा वर्क है एंड साइड में आपको ऐसे लेस है, जो पूरा लुक है ना कुर्ता सेट का वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पिक डालूंगी तो वहां भी आपको दिख जाएगा। और ये मुझे मिला था 620 रुपीज में, प्राइस वाइज भी मुझे अच्छा लगा। सो कमिंग बैक टू द सूट, काफी अच्छा है, प्रिंटेड सा दुपट्टा है और लेस मिल जा रही ना, तो लुक काफी अच्छा सिंपल सा होने वाला है। तो ऑफिसेज में जैसे फेस्टिवल वगैरह में छोटे छोटे जो हमारे रहते हैं ना गेट टुगेदर वगैरह, उसमें आप आराम से वेयर कर सकते हैं। ऑफिस वेयर एक काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, आई वुड रेट इट 8.5/10। उसके बाद जो कुर्ता सेट है ये बहुत ही प्यारा सा आलिया कट कुर्ता सेट है, वो भी पर्पल कलर में, इसमें प्लाजो नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, आई थिंक उनसे मिस हो गया है। तो ये आलिया कट कुर्ता था, इसमें आपको ऐसे वी वही जो उसका पैटर्न रहता है वो मिल जाएगा एंड गले में अच्छा सा थ्रेड वर्क मिल जाएगा एंड 3x4 स्लीव्स है। जो इसका फैब्रिक है दैट इज रेयॉन, एंड रेयॉन मेरा वन ऑफ द फेवरेट फैब्रिक है बिकॉज बहुत कंफर्टेबल रहता है स्किन में एंड आपको बहुत ही प्यारा सा ऐसे शिफॉन का दुपट्टा मिल जाएगा और पूरे में ऐसे लेस है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर प्लाजो होता तो मजा आ जाता, ऑल्दो मैं इसके नीचे पर्पल मेरे पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट या मिसिंग पार्ट इसका यही है कि इसमें प्लाजो नहीं है। एंड आई गॉट दिस वन फॉर अराउंड 600, तो 600 मैं बोलूंगी कि इट्स ओके, मतलब कुर्ता एंड दुपट्टा ठीक ही है, फैब्रिक वगैरह अच्छा है एंड आई गॉट इट इन साइज 3XL, मुझे काफी अच्छा लगा ये कॉम्बो। आई वुड रेट इट 8/10 बिकॉज मुझे लगता है प्लाजो भी दे देते तो थोड़ा मजा आ जाता, मुझे मिक्स एंड मैच नहीं करना पड़ता, बट या That's honest review from my end. उसके बाद जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है मुझे उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया है ये, एज यू कैन सी पूरा प्रॉपर पॉलिथीन इसका
एकदम ही वो डिजाइनर पीस वाला है। एंड ये ना से चिकनकारी कुर्ता था, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरा कुर्ता सेट है, आपको थ्री पीस मिल जाएगा। तो लेट मी शो यू वन बाय वन। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रैपी कुर्ता है ये, और इसमें आपको पूरे में नीचे तक चिकनकारी वर्क मिल जाएगा। बहुत ही लॉन्ग कुर्ता है ये, एंड पीछे फिर आपको ऐसे ट्रांजी जॉर्जेट सा मिल जाएगा। अंदर में आपको इसके लाइनिंग भी मिल जाएगी जो कि कॉटन की है। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अलग से इसमें कुछ स्पैगेटी वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, इसमें अंदर खुद ही लाइनिंग है, दैट टू कॉटन वाली। और इसकी मुझे स्लीव्स भी बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप कंफर्टेबल है ऐसे स्ट्रैपी स्लीव्स पहनने में ना, तो बहुत अच्छा पीस है ये भी। और अच्छा इसमें स्क्वायर नेक मिल जाएगा, एंड देन आपको नीचे प्लाजो मिल जाएगा। सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट है इसकी भी, एंड जॉर्जेट है इसका बाहर का। अंदर इसमें आपको भी कॉटन की लाइनिंग मिल जाएगी, एंड पूरे में ऐसे चिकनकारी वर्क है बीच बीच में। एंड नीचे देन आपको पूरी जाके ऐसे ब्रॉड सा प्लाजो वाला पैटर्न मिलेगा, एंड उसमें वर्क मिलेगा। एंड सिंपल आपको जॉर्जेट का दुपट्टा मिल जाएगा। दुपट्टा कोई बहुत खास नहीं है, बट हाँ तीनों पीस मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक ये कलर ही खुद में बहुत अच्छा लगता है मुझे, ब्लू, दैट टू रॉयल ब्लू वाला कलर ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। चिकनकारी वर्क भी बहुत अच्छा लगा है। लाइक प्राइस के हिसाब से ये वर्थ है एकदम, ये उससे ज्यादा ही बोलूंगी मैं, बिकॉज अगर आप कहीं और लेने जाएंगे तो आपको ये 1000+ का ही मिलेगा। मैंने इसको 750 में बाय किया था, अभी ये आपको 900 समथिंग अराउंड का मिल रहा है। और मैंने जो साइज लिया था XXL लिया था, पर ये मुझे फिट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइट हुआ है। अगर थोड़ा सा एक XXL इसमें होता ना, तो फिर मजा आ जाता, क्योंकि बहुत प्यारा पीस है। मैं डेफिनेटली फिर उसको रख लेती, बट अब मुझे रिटर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये मुझे फिट नहीं हुआ। अगर आपका बस 43-42 है एंड वेस्ट साइज 34-35 है, तो आपको आराम से ये फिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं इसको 9/10 दूंगी। 1 मैं जो रिडक्ट कर रही हूँ वो बेसिकली साइज के लिए, मुझे लगता है साइज ऑप्शंस थोड़े और होते तो मजा आ जाता। उसके बाद आई गॉट इट दिस ब्लैक कुर्ता। ब्लैक मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है, होता ही है मेरे कलेक्शन में, एंड आई गॉट इट इन साइज 3XL। इसका फैब्रिक प्योर कॉटन है। बेसिकली मैंने इसको इसके प्रिंट के कारण लिया था, मुझे बहुत अच्छा गरबा वाइब दे रहा था, एंड मैंने उसी टाइम लिया, उसी के लिए बेसिकली लिया। और इसमें आपको ऐसी स्लीव मिल जाएगी, प्रिंटेड है, ओके प्रिंट है, बट बिकॉज ब्लैक है पूरा और उसमें आपको ऐसे मल्टी कलर से मिल जा रहे हैं ना, तो बहुत प्रिटी लग रहा है। अनारकली कुर्ता है, साइड में आपको ये डोरी मिल जाती है बांधने को। और साइज वगैरह मुझे लगता है कि मुझे फिट ही होगा, देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम फिटिंग वाला होने वाला है ये, बिकॉज यूजली मीशो से मैं 4XL या 5XL ही लेती हूँ, उनका साइज चार्ट उस तरीके का ही है। लाइक मिंत्रा से मुझे 3XL आ जाते हैं, पर मीशो से मुझे नहीं आते, और मुझे अच्छा लगा ये कुर्ता। सो ऑफिस कॉलेज में अगर अभी फेस्टिवल वाला टाइम चल रहा है, आप चाहते हैं कि सिंपल सा लुक हो बट एट द सेम टाइम थोड़ा फैंसी लगे, तो ये कुर्ता उस वाइज काफी अच्छा है, बिकॉज ऑफ इट्स जो पैटर्न है इसका, लाइक ब्लैक में मल्टी कलर, ये प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ट्राई ऑन वगैरह मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँ। सो यार गाइस, ये था मेरा मीशो का हॉल। मैंने काफी ब्रेक के बाद ये वीडियो बनाया है। मेरी हेल्थ काफी खराब चल रही थी, मुझे कोल्ड का फीवर हो गया था, एंड वो 3-4 वीक्स तक मेरा पूरा स्ट्रेच हुआ। अभी भी थोड़ा सा कफ है मुझे, सो अब मैं हॉल्स बनाती रहूंगी, बिकॉज बोलने वाली हालत में मैं हो गई हूँ। तो ये जो पूरे फेस्टिवल का टाइम है, इसमें मैंने अलग अलग चीजें सोची हैं आपके साथ शेयर करने की, नॉट जस्ट फैशन हॉल्स। मैंने सोचा है कि स्किन केयर एंड हेयर केयर में भी काफी मुझे क्वेरीज आती है इंस्टाग्राम पे भी, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन द इंस्टाग्राम, तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं एक कलेक्टिव सा हॉल बनाऊंगी, शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म, दोनों में से किसी एक में बना दूंगी या दोनों में बना दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप इसमें से कोई आपके काम आ जाए, कोई भी आइटम। सो या गाइस, बाय बाय।